द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आईपीएल 2023 के एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 13 रनों से हरा दिया। सीजन में पहली बार अपने रंग में दिखे सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन। सैम करन ने दमदार अर्धशतक लगाया। उनकी हरप्रीत सिंह के साथ निभाई 50 गेंद पर 92 रनों की दमदार साझेदारी के बाद अर्शदीप सिंह ने 20वें ओवर में कमाल की बॉलिंग की। मैच में पंजाब ने 8 विकेट पर 214 रन बनाए थे, जबकि मुंबई की टीम 6 विकेट पर 201 रन ही बना पाई। मैच के हीरो भले ही सैम करन रहे, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन आखिरी ओवर में जिस तरीके से खूंखार बॉलिंग अर्शदीप ने की, उसे देखकर हर कोई हैरान था। अर्शदीप ने लगातार 2 गेंदों पर 2 मिडल स्टंप उड़ाए। आईपीएल में उपयोग किए जाने वाली एलईडी स्टंप और गिल्लियां बहुत ही महंगी होती है। रिपोर्ट्स की माने तो एलईडी स्टंप और जिंक बेल्स की एक सेट की कीमत $40,000 है, यानी 30 लाख रुपए के आसपास। स्टंप और जिंक बेल्स में लगे एलईडी और सेंसिटिविटी मीटर के कारण ये स्टंप बहुत ही महंगा होता है। एलईडी स्टंप और जिंक बेल्स का पहली बार इस्तेमाल 2014 आईसीसी T20 विश्व कप में किया गया था, तब से वे प्रमुख सफेद गेंद वाले क्रिकेट मैचों में आम हो गए हैं। अर्शदीप जब आखिरी ओवर करने आए तो मुंबई इंडियंस को 6 बॉलों पे 16 रनों की जरूरत थी। अर्शदीप ने तीसरी बॉल बिल्कुल जड़ में डाली, जो कि सीधे जाकर मिडल स्टंप पर लगी। गेंद की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्टंप के 2 टुकड़े हो गए। अगली गेंद पर अर्शदीप ने निहाल वडेरा का भी यही हाल किया। इस तरह लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लिए और 2 स्टंप तोड़ दिए अर्शदीप सिंह ने। इसी बीच अर्शदीप ने आईपीएल में 50 विकेट भी अपने पूरे कर लिए। 24 साल के अर्शदीप ने 44 आईपीएल मैचों में 53 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे अर्शदीप के 2 विकेट, जिन्होंने विकेट गिरा दिए और करीब करीब 60-70 लाख का नुकसान कर दिया आईपीएल का? तो कैसा लगा ये विकेट, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।